नमस्कार, मैं प्रियंका कोहाड़ और इस समय हम मौजूद हैं बरवाड़ा में। जैसा कि आपको पता है कि जो चेयरमैन के इलेक्शन है वे स्टार्ट हो गए हैं। यहाँ पर जनता से हम बात करेंगे कि किसको वो चेयरमैन चुनना चाहती है और जिसको भी चुनना चाहती है कि उसका समर्थन करना चाहती है। बरवाड़े में आखिर क्या क्या समस्याएँ हैं, किन किन समस्याओं को लेकर वो यहाँ पर बरवाड़े में किस चेयरमैन को वोट देना चाहेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार जी। तो सर, बरवाड़े में चेयरमैन के नगर पालिका के इलेक्शन शुरू हो गए हैं, तो आप किसको वोट देना चाहते हो? मैं रामकेश बंसल को वोट देना चाहता हूँ जी। तो आप रामकेश बंसल के समर्थन में हो? हाँ जी, हाँ जी, रामकेश बंसल का फुल सपोर्टर हूँ जी। तो सर क्यों आप उसके सपोर्ट में? क्योंकि उसकी सोच है, युवा सोच है जी, और पढ़ा लिखा इंसान है जी, इसलिए उसको वोट देना चाहूँगा जी। तो सर, बरवाड़े में क्या विकास नहीं हुआ है कि आने वाले टाइम में रामकेश बंसल जी विकास करवाएं? सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम तो एक तो ये रोडों की है, जैसे सीवरेज समस्या और पानी की समस्या वगैरह, ये सबसे ज़्यादा इशू है। बाकी इस पर वो ज़्यादा फोकस करेगा, इसलिए उसको वोट देना चाहिए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो आपका नेता कैसा हो? ईमानदार हो और काम करने वाला हो, शहर का जी विकास करने वाला हो, यूथ का विकास करने वाला हो, लोगों की बात सुनने वाला। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, बरवाड़े में चेयरमैन के इलेक्शन शुरू हो गए नगर पालिका के, तो आप किसको वोट देना चाहते हैं? वो तो माहौल देख कर देवेंगे जी, वोट किसको देवेंगे। तो सर, आप जिसको भी वोट देना चाहते हैं तो आप कैसा नेता चुनना चाहोगे? वो तो जनता चुनेगी, जिस तरह जिसका भी अच्छा माहौल है उसी को दिया जाओगा वोट। तो सर, आप भी तो जनता में आते हो, तो आप किसको वोट देना चाहते हो? वो नू थोड़ी है जी, किसको आपका मन का वोट हो किसी को दे। लेकिन सर, मतलब क्या चाहोगे आप? बरवाड़े में कैसा विकास हो? बरवाड़े में क्या नहीं हुआ है अब तक? बरवाड़े में कुछ होया को नहीं, पहले बेचारे मैंने क्या होया बरवाड़े में, खड्डे पानी भरे पड़े हैं। इस रोड का थोड़ा बारिश हो जाओ पूरा चिक्कड़ चिक्कड़ हो जाएगा, पानी से भर जाता बिल्कुल, जमा गंदगी है, सबसे ज़्यादा गंदगी बरवाड़े में। कोई अड़ोस पड़ोस गाँव वाला भी आता है नहीं, वो भी नहीं कहता बरवाड़े में सबसे ज़्यादा गंदगी बरवाड़े के अंदर ही है। आप कैसा नेता चाहते हैं जो बरवाड़े का विकास? नेता पहले ही मना रखे, उसने भी कुछ को नहीं करा, इसी को भी कोई जीत जाएगा तो आपके घर भर है, कोई को नहीं विकास करता बरवाड़े का। ये भी इतने पैसा लगा है, पहले हमें कोटा पूरा करेंगे भी। तो सर, ऐसा नेता चाहिए मतलब जो बरवाड़े का विकास कर सके? भाई आज तक देखो कौन सा मने कौन सा निकास करे, अजीब हो गया, अजीब बेरा बैठेगा। अब तक सिर्फ आश्वासन मिले हैं नेता की तरफ? विश्वास है, वैसे में नू है पूरा गंदगी घेंडी है बरवाड़े में, अब देख लो ये की हाल है। देखो जैसे कि आपने देखा कि बरवाड़े का बुरा हाल है, यहाँ की जनता का कहना है कि यहाँ पर बुरा हाल है। कहाँ से हो सर? बरवाड़ा से। बरवाड़े से हो तो बरवाड़े का विकास कैसा हुआ? मना कोई विकास नहीं, हाँ देख नहीं रहे हो आप, रोड पर खड़े हो। तो सर, जैसे चेयरमैन के इलेक्शन आ गए हैं तो आप क्या चाहोगे? आपका नेता है जो साफ सुथरा होना चाहिए, शहर साफ सुथरा होना चाहिए, हाँ जी, जो बरवाड़े का विकास करना चाहिए जी। किसका वोट देना चाहोगे सर बरवाड़े में? मुझे तो नाम भी नहीं पता कौन कौन खड़े हैं। हाँ, एक हमारा सहपाठी खड़ा है शायद सुरेंद्र का लड़का, उनका ठीक है। लेकिन सर, आपको ये तो पता होगा जो मतलब बरवाड़े का विकास करवा सके या बरवाड़े में कोई अच्छा काम कर सके, क्या आपकी नज़र में कोई ऐसा नेता? हाँ, मैं ढूंढूंगा ऐसा आदमी जो विकास करवा सके, पता करूंगा कौन कौन है, कौन अच्छा आदमी है, कौन पता करके फिर उसको वोट देना चाहूँगा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। नमस्कार सर। नमस्कार बीबी। तो सर, बरवाड़े को लेकर क्या कहना चाहते हो बरवाड़े के विकास? कुछ नहीं, बरवाड़ा नाश करके बिल्कुल। तो सर, बरवाड़े का तो नाश हो रहा है, लेकिन अब चेयरमैन के इलेक्शन आ गए नगर पालिका के, तो आप कैसे नेता को वोट देना चाहोगे? मैं तो जो अच्छा काम करे उसको वोट को दे राजी। तो आपके हिसाब से कौन ऐसा नेता होगा जो यहाँ पर विकास करवा पाएगा? विकास तो नेता तो सारे किस किस ने चुने जाओ, एक गुड़िया है लड़की बहू, उसको अच्छे बताओ, अच्छे तरीके से काम करो, ये उसको वोट देने में फायदा है। तो आपको लगता है कि सिर्फ जो नेताओं द्वारा आश्वासन दिए जाते हैं वही दिए जाएंगे या बरवाड़े का विकास होगा? विकास तो होगा, जो बाट वोट दे बस बने बस विकास तो करावेगी, फिर कौन नहीं करा बरवाड़ा का काम नहीं बनाएगा। नहीं लगता कि कोई आने वाला चेयरमैन यहाँ पर? कुछ नहीं, बिल्कुल नहीं, आप सारे ढूंढ बनाओ, कोई नहीं किसी का। मतलब अब तक आपके जहन में कोई ऐसा नाम नहीं है जिसको आप वोट देना चाहोगे? ना, मैं तो देंगे कौन जी, अपने दो रहो बढ़िया भाई। सर, जनता की वोटों से ही चेयरमैन बनता है? बनता तो है, देख दी चेयरमैन बना तो उसने की कर दिया, कुछ नहीं करा बरवाड़ा का। तो जनता क्या चाहेगी, हमारा नेता कैसा हो? जनता अच्छा काम चाहोगे, विकास मनाया गाँव बरवाड़ा शहर का। तो सर, जनता का जो बरवाड़े का विकास है
तो बरवाड़े के विकास एक तो ये रोड दिखाई दे रहे हैं, ये रोड में तो जापकना असर है, हमारे दूध के मोटरसाइकिल भी बंद है जी बिल्कुल, जापक चौक जेड़ा गोटा गोटा पानी खेला कोई फायदा तो। सर और बरवाड़े में क्या क्या समस्या है? सारी पानी की सुविधा लुगाइया ने सुना, सारी समस्या है, पानी की भी समस्या है, पानी नहीं लुगाई छोरिया नहीं दिक्कत है, सफाई की भी नहीं किमी नहीं, सारी समस्या बन रही नमस्कार सर। नमस्कार जी। तो सर बरवाड़ा के विकास को लेकर क्या कहना चाहते हो? देखो बरवाड़ा में विकास के लिए तो कोई फिलहाल तो कोई बढ़िया बंदा आया नहीं अभी तक, लेकिन आएगा तो आम आदमी पार्टी के सिवाय कोई बढ़िया काम कर ही नहीं सकता बरवाड़ा में, कोई भी करेगा तो बरवाड़ा का विकास तो आम आदमी पार्टी ही कर सकती है। अभी पंजाब में करने लग रही है, पहले दिल्ली में करने लग रही थी, लेकिन यहाँ आपने देख लिया है कि बरवाड़ा पूरा का पूरा डूबा हुआ है, किसी भी पार्टी को देख लो, कांग्रेस को देख लो या बीजेपी को देख लो। तो सर बरवाड़े के विकास के लिए आम पार्टी ने किसको उतारा है? आम पार्टी अभी उतारा नहीं है, उतार लेगी अभी, विकास देखने के लिए वो सोच रही है अभी। ठीक है, इलेक्शन तो शुरू हो चुकी है ना सर? नहीं इलेक्शन शुरू हो चुके हैं। तो इसके बाद कब उतारेगी? हैं अभी देख रही है, अभी बंदा देख रही है। 19 तारीख को वोटिंग हो जाएगी? 19 तारीख को वोटिंग हो रही है, वोटिंग करना भी जरूरी है और विकास के लिए ही वोटिंग पे उतारेगी, अभी उनकी मीटिंग चल रही है। तो सर आप किसको वोट देना चाहोगे? हम तो आम आदमी पार्टी को वोट देंगे, जितनी सपोर्ट होगी आम आदमी पार्टी को ही करेंगे। आम पार्टी कोई अपना बंदा नहीं उतार रही है चुनाव में, तो फिर उतारेगी? नहीं आम आदमी पार्टी उतारेगी, बंदा उतार रखे है उतारेगी और काम करेगी बढ़िया। तो सर बरवाड़े में और क्या क्या समस्या है आपकी नजर? समस्या सबसे ज़्यादा तो ये देख लो रोड की समस्या है, यहाँ ये एक दो आंगल बारिश भी हो जाती है ना ये पूरा बरवाड़ा भर जाता है, कहीं निकासी नहीं है पानी की आज तक, पूरा बरवाड़ा डूब जाता है, डूब जाता है पानी में, कहीं टिपने की जगह ही नहीं मिलती है, लोग खड्डे में गिरते हैं, शिवरों की लाइन है, छः छः बारी पाट पाट के बिछी है यहाँ पे, इतना बुरा हाल हो रहा है। अभी बरवाड़ा की उकलाणा की तरफ से सड़क जा रही है, उस सड़क को देख लो, बीच में रास्ते में है दरखत खड़े हुए हैं, सरकार वो भी नहीं कटा चुकी है अभी तक। तो सर आप जो वोट देना चाहोगे वो पार्टी को देखकर देना चाहोगे या फिर ऐसे बंदे को वोट देना चाहोगे जो बरवाड़ा का? विकास को देखकर, विकास को देख, बिल्कुल विकास को देखकर, नहीं पार्टी को नहीं होगा, विकास को देखकर, जो बंदा विकास करेगा उसी को वोट मिलेगा, चाहे वो किसी भी पार्टी, किसी भी पार्टी से हो। लेकिन धन्यवाद आपको बोल रहा हूँ। नमस्कार सर। ठीक है पुत्र। नमस्कार सर। नमस्कार सर, चेयरमैन के इलेक्शन आ चुके हैं नगर पालिका के, तो आप कैसा नेता चुनना चाहोगे? हम तो ऐसा चुने जो हमारे सिर्फ बरवाड़े का ही सुधार करे। तो सर आप फिलहाल बरवाड़े के विकास को लेकर क्या कहना? ये जो रोड है ना ये क्लियर हो, फर्स्ट क्लास, तो मजा आ जाए बस, हमें और कोई दिक्कत नहीं है, ये रोड साफ सुथरा हो, मिट्टी ना उड़े, धूल ना उड़े, कोई परेशानी ना हो। वो अभी तो फिलहाल बारिश नहीं है, लेकिन बारिश आने के बाद क्या? बारिश आने के बाद फिर हमें बीच में टपना पड़ता है गोले उठा उठा के। तो सर फिर तैर के जाना पड़ता है? तैरना तो नहीं पड़ता है वैसे, मतलब दिक्कत होती है। वैसा है योग्य पढ़ा लिखा लड़का हो, समझदार हो, ईमानदार हो, जिससे हम ये कहें कि बरवाड़े की तरक्की अब हुई है, ऐसा कैंडिडेट चाहिए। तो सर किसी पार्टी को देख कर सपोर्ट करोगे या फिर नेता को देख? जो नेता जो अच्छा होगा उसको, पार्टी का इसमें ये तो भाईचारे का इलेक्शन है, पार्टी में तो हम आ ही नहीं सकते किसी के, वो बुरा मान जाते हैं। अब भाईचारे का इलेक्शन है, बड़े प्रेम से वोट दे के आएंगे, लेकिन देंगे उसको जो हमारे अंदर दिमाग में आएगा। तो सर अभी तक आपके जहन में कोई ऐसा नाम है जिसको आप वोट? अभी कोई भी, ये तो गुप्त मतदान है, अभी तो दिमाग में कुछ ही नहीं आया, अभी तो सबको आशीर्वाद दे देते हैं, आओ जी जी आया नु ये कह देते हैं, एक बोर्ड यहाँ लगा हुआ है, आप इसके ऊपर मारो फोक्स। हमारा आप जी जान से मेहनत करो, आपको सफलता मिलेगी, लगे रहो। तो सर आप उस नेता को वोट देना चाहोगे जो बरवाड़ा की तरफ सुधार कर सके? बिल्कुल, हमारी तो यही एक इच्छा है और हमारी कोई इच्छा है ही नहीं, बिल्कुल यही। तो नेता ऐसा हो जो बरवाड़े का विकास कर, विकास भी करे, मतलब पब्लिक को साथ भी रखे, जोड़ के भी रखे, उनका कोई काम रुका हो तो वो करवा भी सके, सिर्फ बरवाड़े तक की जनता का, सिर्फ बरवाड़े तक सीमित हो भाई, इसका सुधार करना है वो चाहिए हमें, और हमारी कोई इच्छा नहीं है, इसी में खुश हैं हम। वो आगे ये कहे ठीक है भाई, हम भी कहें ठीक है। तो सर आप क्या कहना चाहोगे? हाँ जी और पूछ लो। मैं क्या कहना चाहूँगा, मैं भी यही कहना चाहूँगा कि बरवाड़ा का विकास हो, ऐसा नेता चुने जिससे बरवाड़ा का विकास हो, पढ़ा लिखा हो, ईमानदार हो, वही। क्योंकि सर जो नेता आते हैं जब वोट देने से पहले उनके वादे कुछ और होते हैं, लेकिन वोट देने के बाद मेरे ख्याल से वो वादों को भूल जाते हैं। मामले में अब जनता बहुत समझदार है, वो इसीलिए किसी को कुछ नहीं बता रही कि हम किसको देंगे, कहेंगे कुछ होगा कुछ करेंगे कुछ, पब्लिक अब वो ना समझना भाई, 10 साल पहले वाली नहीं रही अब।
आजकल के छोटे छोटे बच्चे बड़े तेज हैं। वो कहते हैं ना सर, पब्लिक है सब जानती है। ये पब्लिक है सब जानती है, उसमें आप भी आगे। हाँ बिल्कुल जानते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे हमें कोई दिक्कत नहीं है, छोटी मोटी समस्याएं तो देखो जिंदगी में आती रहती हैं। बाकी मेन रोड वाली ये ज़्यादा पानी की समस्या है ना, ये है। लेकिन सर जैसे पहले चेयरमैन जो रह चुका है पिछले 5 सालों में, तो उन्होंने बरवाड़े का कितना विकास करवाया? और जितना उनके बस में होता है ना उतना तो करवा ही देते हैं। अब जैसे सरकारें पक्की बनी हुई हैं तो इनका आजकल ज़्यादा ही हाथ हो गया विकास करवाने का। तो हम तो यही चाहते हैं भाई विकास होना चाहिए, आम आदमी को किसी को दिक्कत ना हो बस। और तो बरवाड़े का नेता ऐसा हो जो आम जनता को साथ लेके चले और बरवाड़े का विकास करवाए। और हमें थैंक यू सर।